आज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स लेक्चर नंबर 5 में हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ गॉल्जी नेटवर्क कैसे उसमें होता है उसका पार्ट सी देख रहे हैं, अर्थात कि स्टेप वाइज ये प्रोसेस चल रहा है। आज जो हमारा टारगेट है वो प्रीवियस लेक्चर से ही आगे बढ़ेगा, जहां प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ देखा था कि कैसे गॉल्जी बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में प्रोसेसिंग होता है, उसी क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक्स जहाँ पर रुका हुआ था उसी से आगे बढ़ रहे हैं, और वो है एस्पैराजाइन लिंक्ड, जिसे हम लोग एन लिंक्ड भी कहते हैं, ओलिगोसैकराइड सैकराइड्स। देखिए इसपे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकराइड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकराइड में हर तरह के रेसिड्यूज शुगर के जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हाई मैनोज ओलिगोसैकराइड, मतलब उसमें ढेर सारा मैनोज होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में चल रहा था, आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो एस्पैराजाइन लिंक्ड या एन लिंक्ड ओलिगोसैकराइड है, ठीक है ना, एन लिंक्ड ओलिगोसैकराइड, इस तरह के ओलिगोसैकराइड का दो पार्ट होता है, ठीक है ना, दो चीजों से बना होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है कोर रीजन, और दूसरा पार्ट होता है वो होता है टर्मिनल रीजन, जो मैंने बताया भी था टर्मिनल रीजन इसकी पहचान बनती है, कोर रीजन इसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अब जब बात आती है कि एन लिंक्ड ओलिगोसैकराइड में कोर लिंक क्या है और टर्मिनल रीजन क्या है, कोर रीजन जो होता है वो नॉन वेरिएबल होता है, ठीक है ना, नॉन वेरिएबल मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता, और टर्मिनल रीजन जो है ये होता है वेरिएबल, इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो कुछ चीजें बातें समझ में आती है, कोर रीजन और टर्मिनल रीजन का क्या प्रेजेंस है। अगर हम एक कोर रीजन को बनाएं तो आप देखें इसको और समझने की कोशिश करें, ठीक है, जैसा मैंने कहा था एक प्रोटीन का चेन है, और प्रोटीन के चेन में एक खास सीक्वेंस है जहां पर एस्पैराजाइन है, फिर एक्स है, और फिर सेरीन या फिर थ्रियोनिन है, और यहीं पर तीन ही को रखते हैं। ये एक प्रोटीन का चेन है, ठीक है ना, और इस प्रोटीन के चेन में हम लोग कहते हैं कि ये जो है पेप्टाइड है, ये इसका पेप्टाइड है। अब इसमें एस्पैराजाइन लिंक्ड है, तो एस्पैराजाइन से देखिए कैसे चीजें जुड़ती हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इन सब चीजों को बताया था, अभी इसको देखने का हम लोग का अंदाज बदलेगा। सबसे पहले इसमें जुड़ता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो जीएलसी एनएसी, फिर इसमें यही जुड़ता है जीएलसी एनएसी, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ रहा है, और फिर इससे जुड़ रहा है मैनोज। अब ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं कोर रीजन, मतलब ये इसका कोर एरिया हो गया। तो चूंकि मैंने इसमें चेंज नहीं किया, मैंने इसमें
फिक्स्ड मटेरियल लिखा है, तो ये कोर रीजन कभी बदलता नहीं, ये सिर्फ जब डाइजेस्ट होगा तभी बदलेगा, प्रोसेसिंग के दरमियान में इस कोर रीजन में कोई बदलाव नहीं होता है। अब इस कोर रीजन से में अब जो चीजें जुड़ेंगी वो चीजें जुड़नी शुरू होती हैं इसके जो टर्मिनल रीजन है उसके लिए। अब देखिए टर्मिनल रीजन में हम लोग जोड़ रहे हैं एक सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस का नाम है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, गैलेक्टोज एंड नाना। जहां नाना लिखेंगे वहां पर ऊपर माइनस चार्ज लिख देंगे, ठीक है ना। अब इस पूरे इतना लंबा तो लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल से। अब इस सिंबल को क्रॉस का मतलब हो गया एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन, बीच में डॉट लिख दिए तो हो गया गैलेक्टोज, और ऐसे चौखुट्टा बना दिए तो हो गया नाना। अब देखिए कैसे इसका प्रोग्रेशन डेवलप करता है, आपको समझ में आएगा इस चीज का। ये हो गया एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन, फिर उससे जुड़ गया गैलेक्टोज, और उससे जुड़ गया नाना, नाना पर हम लोग नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। उसी तरह से कई ब्रांच डेवलप करते हैं एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, फिर उससे जुड़ गया गैलेक्टोज, फिर उससे जुड़ गया नाना, फिर इसी प्रकार से एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, फिर उससे जुड़ गया गैलेक्टोज, फिर उससे जुड़ गया नाना, नाना पर नेगेटिव चार्ज है। साइंस में ये सब घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस यही फॉर्मेट रहता है। अब यहां पर देखिए ये जो जोन हो गया, ये ब्लू वाला जितना एरिया हो गया यहां से यहां तक, इसे हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनल रीजन, इसे हम लोग कह रहे हैं टर्मिनल रीजन, ठीक है। जो बदलाव होगा वो किस रीजन में होगा, टर्मिनल रीजन में होगा, और टर्मिनल रीजन में सामान्यतः ये जो ट्राई ओलिगोसैकेराइड है जिसमें एक एक दो तीन, ये सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है। ये जो फॉर्मेट मैंने बताया है ना, ये सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है किसी भी टर्मिनल रीजन में, ज्यादातर यही होते हैं। तो अगर ये हो गया टर्मिनल रीजन में, ये कहलाया, ये किसका हम लोग एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में से हम लोग स्टडी कर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड में इस प्रकार से चीजें दिखती हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड। हाँ, अब हम हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी में हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसी में हम लोग बदलाव करते हैं। दोबारा डायग्राम क्यों बनाएंगे, इसी में हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए कोर रीजन में तो कोई बदलाव नहीं आया, कोर रीजन कांस्टेंट है दोनों में, जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, मैनोज, तो उसके लिए अभी हम यहां पर एम ही लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखें इससे जैसे एक एग्जांपल जो है वो दिखा रहे हैं जो होता है, ये मैनोज हो गया, ठीक है ना, यहां भी मैनोज हो गया और यहां भी मैनोज। अगर आप देखें तो कोर रीजन का 1, 2, 3, ठीक है ना, C1, C2, C3, मतलब कोर रीजन का है, और टर्मिनल रीजन का T1, T2, T3, ये तीन, मतलब 6 मैनोज यहां पर है। तो जो ये 6 मैनोज है ये यहां पर हो गए हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड। तो ये डिफरेंस होता है एक कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड में
और एक हाई मैनोज ओलिगोसेक्राइड। ये हाई मैनोज इसके जो टर्मिनल रीजन होता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक ये जो टर्मिनल रीजन है, ये टर्मिनल रीजन जो है वो मैनोज रिज से हम लोग कह रहे हैं, टर्मिनल रीजन, और ये टर्मिनल रीजन मैनोज रिज। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह आपको अभी देखने का मौका मिला है। इन मेथड्स को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कैसे ये मेथड्स बायोकेमिकल सब फ्रैक्शनेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इस पूरे प्रोसेस को देखने में मदद करता है। अब आगे की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं कि कोर रीजन इस कोर रीजन में सामान्यतया मतलब नॉर्मली कितने मतलब ट्राइसेक्राइड के ब्रांचेज होते हैं, ठीक है ना। इस कोर रीजन में या तो तीन ऐसे ब्रांचेज होंगे, कभी कभी कोर रीजन में दो ब्रांच भी होता है, एक दो, और कभी कभी कोर रीजन में चार ब्रांच तक देखा गया, एक दो तीन चार, ठीक है ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो आप समझ रहे हैं इसको किसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन गैलेक्टोज नाना, तो ऐसा तीन यहां पर और यहां पर जुड़ेगा, और जब यही चार वाला हिस्सा रहेगा तो यही जो होंगे वो चार बार जुड़ेंगे, एक दो तीन चार, चारों जगह यह मौजूद रहेगा। जो सबसे कॉमन होता है वो तीन वाला होता है, ठीक है। अच्छा, हम तो उसको मिटा दिए थे, आपने देखा होगा कि दो इसमें हमने जोड़ा था और एक इसमें हमने जोड़ा था। तो इस प्रकार से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन है ना, और आपको इन सभी स्टैंडर्डाइज इन चीजों को समझना होगा। एक मन में सवाल आता है विद्यार्थियों, सर क्या ऐसा होता होगा कि जैसे ये मान लीजिए हमको टर्मिनल रीजन का मैनोज हटाना है, तो हमने सपोज करिए सर इस मैनोज को हटा दिया, इस मैनोज को भी हटा दिया, इस मैनोज को भी हटा दिया, अभी तो कोर रीजन में भी मैनोज है, क्या हम इसको हटा सकते हैं, समझ रहे सवाल। उत्तर होता है कि नहीं, हम लोग कोर रीजन के मैनोज को हटा सकते हैं, उसके लिए एंजाइम्स इतने स्पेसिफिक नहीं होते, इसलिए हम लोग सिर्फ टर्मिनल रीजन के मैनोज को ही या उसके जो सुगर रेसिड्यूज हैं उसी को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, हम उसको कोर रीजन वाले को यूजुअली नहीं छूते हैं। कोर रीजन का छूने का मतलब हो गया कि वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो खत्म हो गया, मतलब कि उसका काम तमाम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम आपको दे रहे हैं और इन सभी स्टेटमेंट्स पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी में प्रोसेसिंग को हम लोग समझ रहे हैं, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे। जो एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग एन से इंडिकेट करेंगे। जो ग्लूकोज होगा है ना, उसको जीसी से इंडिकेट करेंगे। जो गैलेक्टोज होगा उसको हम लोग जीए से इंडिकेट करेंगे। जो मैनोज होगा उसको हम लोग एम से इंडिकेट करेंगे। और जो सियालिक एसिड होगा उसको हम लोग एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। कोर हिस्सा तुम सब लोग जानते हैं कि कोर हिस्सा क्या होता है। कोर हिस्सा होता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन दो, और फिर उसके साथ जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, मैनोज, एक मैनोज, नहीं थोड़ा सा ये हो गया, हाँ, एक मैनोज, दूसरा मैनोज और तीसरा मैनोज। ये जो एरिया है ये कोर एरिया है, हैं? अब इस कोर एरिया में और क्या क्या कैसे कैसे जुड़ता है, देखो
मैनोज 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 मैनोज, ये सभी टर्मिनल एरिया हो गया। इस मैनोज से भी जो है जुड़ता है ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये एक जो ब्लू कलर्ड है, जो ब्लू कलर्ड एरिया है, ये एरिया है आपका कोर रीजन। ये एरिया जो है, मैं कोशिश करता हूं कि सब लोग इसमें कवर हो जाए, ये एरिया जो है आपका कोर कोर पार्ट है, और बाकी जो पार्ट है वो है आपका टर्मिनल पार्ट। अभी जो घटना देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घटना देख रहे हैं। और अब जो है यहां पर कुछ एंजाइम्स की मदद से चीजों को काटा जाता है। अब किसको किसको कैसे कटिंग किया जाता है, ट्रिमिंग जिसको हम लोग कहते हैं ना, ट्रिम करना, देखिए ट्रिम किसको किसको किया जा रहा है। ट्रिम किया जा रहा है इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ठीक है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ठीक है, इसके अलावा इस मैनोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये देखें आपके ऐसे जब काम किया जाता है तो कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वन में इसको काटा जाता है, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा ग्लूकोसाइडेस वन, ये नंबर वन है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर, ये सारा लेबोरेटरी में एस्टेब्लिश किया गया है, इन दोनों को काटा जाता है। तो दूसरे में क्या डाला गया, ग्लूकोसाइडेस टू, हाँ, और थर्ड स्टेट में इसको मैनोज को काटा जाता है। तो तीसरा एंजाइम हो गया मैनोसाइडेस, ठीक है। ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप में पहले स्टेप में एक ग्लूकोज कटा, एक, दूसरे स्टेज में दो ग्लूकोज कटा, और तीसरे स्टेप में एक मैनोज कटा, यही हुआ। ऐसे ये कटकर बाहर निकले, दिस इज कॉल्ड ट्रिमिंग प्रोसेस, जो यहां पर एंजाइम का। अब जब ये घटना हुआ, ये घटना कहां हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कई बार मैं विद्यार्थियों को सुझाता हूं कि आप सबसे सबके सब एंजाइम के पहले ईआर लिख दीजिए, ईआर ग्लूकोसाइडेज वन, ईआर ग्लूकोसाइडेज टू, ईआर मैनोसाइडेज, इस प्रकार से लिखा करें, ताकि ये पता रहे कि ये घटना कहां हो रही। अब जब यह घटना संपन्न होगा तो बचेगा क्या, झटपट समझ रहे हैं कि अब क्या बचना है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, मैनोज मैनोज मैनोज, ये जो है ना, ये हो गया हमारा कोर एरिया, ये तो बचेगा ही हरदम। साथ में अब कुछ मैनोज हैं जो आपको यहां पर दिखेंगे, और डायग्राम से तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, एक यहां का मैनोज, एक यहां का मैनोज, ये मैनोज, ये मैनोज, और ये सभी मैनोज जो है वो क्या है, टर्मिनल हिस्से। इस प्रकार से सेकंड स्टेज में ये मिल गया। अब ये जो है, ये सारी घटना कहां हुई है, ये सारी घटना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब इसे भेजा जाता है, कहां पर भेजा जाता है, गॉल्जी बॉडी में, सेंट टू CGN को, सिस गॉल्जी नेटवर्क में इसको भेजा जाता है। अब जो भी काम होना है, जोड़ घटाओ गुना भाग, वह वहां पर होगा। देखिए विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे ये सारी घटनाएं होती हैं। जब हम लोग, अब हम लोग इंटर कर गए हैं सिस गॉल्जी नेटवर्क में, ठीक है,
यहां पर हो गया एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन, मैनोज मैनोज मैनोज, ये हो गया कोर का एरिया, ठीक है। और इसके बाद जो है मिल रहा है हमको टर्मिनल रेसिड्यू। तो टर्मिनल टर्मिनल रेसिड्यू में यहां से है एक मैनोज और मैनोज, यहां मैनोज, यहां मैनोज और यहां मैनोज, यही है। अब हम लोग आ गए हैं गॉल्जी नेटवर्क में। अब जोड़ने का समय आया ढेर सारा मैनोज को, ठीक है, एडिशन ऑफ ढेर सारा मैनोज। अब बहुत सारे जब मैनोज जब जोड़े जाएंगे इसमें तो मैनोज डोनर कौन होगा, यूडीपी मैन। आप सबको याद है कि गॉल्जी बॉडी के अंदर में कोई भी सुगर आता है वह सुगर न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में आता है, तो ढेर सारा मैनोज जो है वो यहां पर आएगा और इसमें से क्या होगा कि मैनोज को ये डोनेट कर देगा और यूडीपी बचेगा। यह जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज, ठीक है। ये अभी जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन को, अभी हम लोग इसमें ये मैनोज ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको यहाँ पर मैनोज जो लिखे हैं उसको हटाना पड़ेगा। ओके, हम लोग जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, हमने इसको लिखा एन बड़ा सा ऐसे गोल कर दिया। एंजाइम का नाम हो गया एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज, बड़ा आराम से नाम, चूंकि ट्रांसफर कर रहे हैं एंजाइम का नाम पड़ गया ट्रांसफरेज। अब क्या होता है यहां पर देखें, ये स्पराजाइन, ठीक है, ये कोर एरिया में एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, मैनोज मैनोज मैनोज, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वह है यहां पर मैनोज मैनोज मैनोज, ये जो भी पढ़ रहे हैं ये रिसर्च का आउटकम है मैनोज। अब जो जुड़ा जोड़ा गया, ठीक है, उसमें नहीं अभी जोड़ने वाला नहीं काम करेंगे, हम लोग तो काटना था एक जगह और थोड़ा इस प्रोसेस को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है, बहुत स्टेप बाइज प्रोसेस चलता है, कहीं कहीं कुछ छूटने का भी गुंजाइश रहती है। यहाँ पर दो मैनोज को काटा जाएगा, एक इसको और एक इसको, इन दोनों मैनोज को काटना है। तो ये जो घटना होती है वो गॉल्जी बॉडी में ही होता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। यहां पर हो गया गॉल्जी मैनोसाइटिस, जैसे वहां लिखे थे ईआर मैनोसाइटिस, यहां लिखेंगे गॉल्जी मैनोसाइटिस, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों मैनोज यहां से कट जाएगा, दोनों मैनोज यहां से कट गया, साथ ही साथ ये जो मैनोज है यहां पर ये भी कटता है, तो रिजल्ट है कि यहां का भी मैनोज जो है वो कट गया। अभी ये ऐसा ही दिखेगा, मतलब अभी इसके पास सिर्फ दो मैनोज हैं जो कि टर्मिनल डिजाइन में है। ये प्रोसेस हो गया गॉल्जी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं यहां पर ट्रिमिंग किया गया। अब जो अगला स्टेप है उस स्टेप पर आते हैं कि अभी स्टेप बाय इसमें कैसे चीजों को जोड़ा जाता है। अब हम लोग गॉल्जी बॉडी में ही है, हम इस स्टेप को यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, इन सबको भी यहां से हटा देते हैं, कितने बार एक ही डायग्राम को बनाएंगे। अब देखिए क्या होता है यहां पर, जैसा मैंने कहा यहां पर आता है यूडीपी एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, यूडीपी निकल गया, एंजाइम का नाम हो गया एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए थे इसलिए मैं वापस आया एक स्टेप ट्रांसफरेज। अब देखो ये जो एन है इस एन को यहां पर जोड़ा जा रहा है, जुड़ गया एन। अब देखो ये जो एन है ना वो जोड़ा गया, मतलब कि ये एडिशन किया गया है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये एडिशन किया जा रहा है, एडिशन करके इस प्रकार से दो आ गया। अब जो है जैसे ही ये स्टेप होता है, ये सारे स्टेप बाय इवेंट्स हैं, जैसे ही ये स्टेप होता है, मैं इस स्टेप को थोड़ा पीछे यहां पर ले आता हूं, मैं यहां जोड़ देता हूं इसको एन को, ओके, तो हम एक स्टेप आगे यहीं पर इसी डायग्राम में बढ़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है,
नेक्स्ट स्टेप में फिर से गॉल्जी मेनोसाइटेज 2 यूज होता है, गॉल्जी मेनोसाइटेज 2। अब ये गॉल्जी मेनोसाइटेज 2 जो है वह इसको और इसको ट्रिम करेगा, रिजल्ट क्या दिखेगा, ये भी जो दोनों है वो अगले स्टेप में हट गए। गॉल्जी मेनोसाइटेज 2 का रोल है। अब ढेर सारा, अब बहुत सारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड सियालिक एसिड, इन सब को जोड़ा जाएगा। नाउ सी द मैटर व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को पीछे ले आता हूं, मतलब इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, ठीक है, और अब जो स्टेप हो रहा है उस स्टेप में क्या हो रहा है, उस स्टेप में 3 मॉलिक्यूल यूडीपी ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल यूडीपी गैलेक्टोज और 3 मॉलिक्यूल सीएमपी नाना, इसको सियालिक एसिड कहते हैं, सियालिक एसिड को जोड़ा जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा अगर आप